अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं भक्ति हूँ, तुम्हारे मन में परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रज्वलित करने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा। सूर्य देव का निश्चय सुनकर इंद्र को आघात पहुंचता है, मयूरेश्वर की बात सुनकर नंदी संतुष्ट होते हैं, शिव कृपा पाकर शुक्राचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्यदेव सिंधु का मार्गदर्शन करते हैं, दिति देवांतक और नरांतक की तपस्या में बाधा पहुंचाती है, गजानन और कार्तिकेय खेल से लौटते ही होंगे, जया विजया से कहो उनकी भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा। सुदबुद्ध भूल जाते हो क्या? तुम्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता? ध्यान ना रहता तो हम लौट कर ही क्यों आते? माता, जब हम खेलते खेलते थक गए और भूख लगने लगी तो हम तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले आए। गणपति सत्य कह रहे हैं माता। एक बात तो बताओ माता, आज तुमने हम दोनों भाइयों के लिए भरपूर मोदक बनाए है ना? महारानी मैना, हमारे प्रिय नाती गणेश को मोदक कितने अच्छे लगते हैं। जी महाराज। प्रणाम नाना श्री, प्रणाम नानी श्री। दीर्घायु हो पुत्रो। गजानन, हमें तुम्हारी भूख का पूरा ध्यान है, ये लो। अब तो तुम्हारे साथ साथ कार्तिकेय भी मोदक प्रिय हो गए हैं, ये लो। जानते हो गजानन, आजकल हमारी पाकशाला में मोदक और लड्डुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनता। हम सब इन दिनों मोदकों का ही भोजन करते हैं। शीघ्रता से जाओ, दासियों से कहो और मोदक लेकर आए, गजानन को कुछ भी कहने का अवसर न देना। मैं कुछ नहीं कहूँगा नानी माँ, ये डकार तो ये दिखाने के लिए थी कि हम दोनों अभी तृप्त नहीं हुए हैं। ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम देवर्षि, आपका कल्याण। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि। नानी माँ, ऋषि के लिए कुछ प्रसाद और मंगवाइए, ये विश्व भ्रमण करके आ रहे हैं, इनकी भूख तो हमसे कई गुना अधिक होगी। एकदम, मेरी भूख तो आप सभी के एक साथ दर्शन पाकर शांत हो गई है, मुझे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि, लोग दिखावे के लिए औपचारिकता आवश्यक होती है, परंतु अपने ही घर में दिखावे की क्या आवश्यकता है? मन ही मन तो आप मोदक खाने को उत्सुक होंगे और दिखाने के लिए अस्वीकार कर रहे हैं। संकोच न करें देवर्षि, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को भोजन कराने से जो महान पुण्य प्राप्त होगा उससे हमें वंचित न करें। नारायण नारायण, एक दंत दयावंत, जैसी आपकी आज्ञा। भला गौरी पुत्र गणेश का प्रसाद खाने के लिए इस संसार में कौन उत्सुक नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी आपके लिए मोदकों का प्रबंध करवाती हूँ। देवर्षि, आपने अब तक माता को संसार का नवीन समाचार नहीं सुनाया। मैं वही समाचार सुनाने तो आया हूँ। माता, इस समय आपके संसार में बहुत उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल अर्थात? नारायण नारायण। माता, एक ओर तो सूर्य देव द्वारा शापित महारानी उग्रा का पुत्र सिंधु दैत्य सूर्य देव की तपस्या कर रहा है, तो दूसरी ओर शुक्राचार्य द्वारा प्रेरित देवांतक और नरांतक भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। तीनों लोकों का साम्राज्य पाने के लिए असुर जाति सदा से ही तपस्या और साधना करती आ रही है, इसमें नवीनता कैसी? नवीन विषय ये है माता, कि सिंधु दैत्य की तपस्या को लेकर
देवराज इंद्र और सूर्य देव में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद तो होगा ही, देवराज को किसी की भी तपस्या और साधना प्रिय नहीं। नारायण नारायण माता, देवराज इंद्र सूर्य देव को अपने आदेश की सीमा में बांधकर विवश कर रहे हैं कि वे सिंधु दैत्य को वरदान देने ना जाएं। तपस्वियों के तप मार्ग में बाधा पहुंचाकर देवराज भयानक भूल कर रहे हैं। निरंतर अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहने वाले सूर्य देव देवराज के स्वार्थ का साधन कदापि नहीं बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका विश्वास सत्य का प्रमाण है माता। सूर्य देव ने स्वयं ही सिंधु दैत्य को तपस्या के लिए प्रेरित किया है, परंतु परंतु क्या देवर्षि? नारायण नारायण माता, इन तीनों असुरों को वरदान प्राप्त होने से इस संसार का वातावरण कितना भयानक हो जाएगा। मैंने जब इस विषय में परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भी अवतार अपना कार्य पूर्ण किए बिना अपने मूल रूप में विलीन नहीं होता। मयूरेश्वर श्री गणेश को अभी कई महान कार्य करने हैं, वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। मैंने परम पिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सुनी है देवर्षि, उन तीनों असुरों का उद्धार परम देव श्री महागणेश के दोनों अवतार करेंगे। परंतु आप भी तो श्री महागणेश के अवतार हैं गौरीपुत्र श्री गणेश। मैं अवतार अवश्य हूँ, परंतु उससे पूर्व गौरीपुत्र हूँ। माता ने जन्म जन्मांतरों की साधना के पश्चात मुझे पाया है, क्यों माता? नारायण नारायण। आज न जाने क्यों शिव आराधना में मेरा मन नहीं। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर पिछले कई दिनों से मेरा मन चिंतित है। मुझे आपका ही सहारा है भोलेनाथ। दैत्य जाति को अपनी कृपा प्रदान करें। आशुतोष कृपा प्रदान करें। शुक्राचार्य, अपने आश्रम का स्थान बदलकर भी आप मेरी दृष्टि से छुप नहीं सकते। जान सकती हूँ कि आपने मुझे सूचना दिए बिना अपने आश्रम का निर्माण इस गुफा में क्यों कर लिया? दैत्य माता दीदी, मैंने आश्रम का स्थान परिवर्तन आपसे छुपने के लिए नहीं किया है। आश्रमों में रहने वाला प्रत्येक मुनि चतुर्मास प्रारंभ होने से पहले किसी अन्य स्थान पर अपने आश्रम का निर्माण कर लेता है। मैंने भी उसी परंपरा का पालन किया है। मैं आपकी परंपराओं से भली भांति परिचित हूँ शुक्राचार्य। शिव आराधना का ढोंग करने वाले वास्तव में आप दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। देवांतक और नरांतक को शिव आराधना का परामर्श देकर आपने उन्हें भ्रमित किया है। दैत्य माता, अपना दोष दूसरे के मस्तक पर मढ़ देने में आपकी चतुराई जगत प्रिय है। दैत्य माता दीति, मैं जानता हूं कि आपने उन दोनों की तपस्या को खंडित किया है, उनके वर्षों के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया है। मैं उन्हें ब्रह्मदेव की आराधना का परामर्श देना चाहती थी, किंतु तुम्हारी मायावी शक्ति के सम्मुख उन्होंने मेरी उपेक्षा करने की भूल की है, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। परिणाम उन्हें नहीं दैत्य माता, परिणाम तो आपको भुगतना होगा। शिव आराधना खंडित करने का दोष आपको भोगना होगा। शिव मुझे क्या दंडित करेंगे? मैं स्वयं अपनी दानवी शक्ति से शिव और श्री महागणेश के संसार में भूचाल ला दूंगी। सावधान दैत्य माता, सावधान। भगवान शिव का अपमान करके आप अपने सर्वनाश की भूमिका रच रही हैं। उपेक्षा और तिरस्कार के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन मेरा नहीं, तुम्हारा बिगड़ा है शुक्राचार्य। शिव को प्रसन्न करने के चक्कर में तुम दैत्य और असुरों को अनुचित शिक्षा देते हो। मैं तुम्हारे इस कार्य को कभी भी क्षमा नहीं करूंगी।
मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस समय तो चिंतित होने के स्थान पर आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। इस समय चिंतित होने का मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता। महारानी उग्रा के पुत्र सिंधु दैत्य ने मेरी आज्ञा को ठुकरा कर सूर्य देव की आराधना प्रारंभ कर दी है। वो सूर्य देव को प्रसन्न करके शीघ्र ही उनसे वरदान प्राप्त कर लेगा और देवांतक और नारांतक से पहले स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा। इस पर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए शुक्राचार्य। यदि कोई दैत्य स्वर्ग पर अधिकार करता है तो तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सिंधु दैत्य के स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेने से दैत्य जाति को तनिक भी लाभ नहीं होगा। वो दैत्य जाति और दैत्य गुरु की उपेक्षा करके सूर्य आराधना कर रहा है। उधर देवराज इंद्र ने सूर्य देव को सिंधु की तपस्या सफल ना करने का आदेश दिया है। दैत्य माता, यही मेरी चिंता का कारण है। तो क्या सूर्य देव सिंधु दैत्य की तपस्या सफल नहीं करेंगे? सिंधु दैत्य को लेकर सूर्यदेव और देवराज इंद्र में विवाद प्रारंभ हो गया है। सूर्यदेव ने दृढ़ निश्चय किया है कि वे तपस्वी को उसकी तपस्या का फल अवश्य प्रदान करेंगे। और समय इस अट्टहास का कारण जान सकता हूँ दैत्य माता? इस अट्टहास के दो कारण है शुक्राचार्य, दो। पहला ये कि अब ये प्रमाणित हो चुका है कि तुम दैत्य गुरु नहीं दैत्य शत्रु हो, और दूसरा ये कि तुम्हारी बातों से ये सिद्ध हो गया है कि मानसिक संतुलन मेरा नहीं तुम्हारा बिगड़ा है शुक्राचार्य, तुम्हारा। कहना क्या चाहती हैं आप? शुक्राचार्य, यदि दुष्ट अदिति के दोनों पुत्र आपस में बैर और विवाद करते हैं तो इसका लाभ दैत्य जाति को ही मिलेगा। सूर्यदेव का दैत्य जाति के पक्ष में आना एक शुभ संकेत है। जिस बात पर तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए उस पर तुम चिंतित हो रहे हो। अपने मानसिक संतुलन का उपचार करवाओ शुक्राचार्य। हाँ दैत्य माता, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं भली भांति जानता हूँ। अपनी बहन के विरुद्ध प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना ने आपके भीतर की नैतिकता को नष्ट कर दिया है। शुक्राचार्य, मेरी बात ध्यान से सुने दैत्य माता। यदि सिंधु दैत्य ने देवांतक और नरांतक से पूर्व स्वर्ग विजय पाली तो ये दोनों दैत्य निराश हो जाएंगे। यही मेरी चिंता का कारण है। तुम्हें किसी भी मूल्य पर सिंधु को स्वर्ग विजय करने से रोकना है शुक्राचार्य। ये दैत्य माता दीति का आदेश है। दैत्य माता दीति, मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा नहीं। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम देवासुर वंदिताय नमः। अग्निदेव, जैसे जैसे सिंधु दैत्य की तपस्या पूर्णता की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे देवताओं के मध्य संघर्ष की संभावना बढ़ती जा रही है। हाँ वरुण देव, सिंधु दैत्य को वरदान देकर सूर्यदेव हम देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें उनको रोकने का कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। यदि तुम तीनों सूर्यदेव के षड्यंत्र को खंडित करना चाहते हो तो सिंधु की तपस्या को पूर्ण नहीं होने देना। अर्थात देवराज, हम सिंधु की तपस्या में बाधा उत्पन्न करें? हाँ, यदि उसकी तपस्या पूर्ण ही नहीं हुई तो सूर्यदेव उसे वरदान क्या देगा। ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम देवासुर वंदिताय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः।
एक तपस्वी की तपस्या में बाधा पहुंचाकर तुमने देवताओं के नाम को कलंकित कर दिया है। लौट जाओ यहां से, लौट जाओ अन्यथा मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा।